हेलो मेरे प्यारे नन्हे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अच्छे बच्चे होंगे, यानी कि बड़ों का आदर करते होंगे। तो स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। और आज हम लेकर आए हैं आपकी पुस्तक तरंग, हिंदी पाठ्य पुस्तिका बाई अमित पब्लिकेशन से। कौन सा पाठ? पाठ 14, जिसका नाम है, जिसका शीर्षक है, मोती जैसे दांत। बच्चों, आपके दांत भी कैसे हैं? मोती जैसे सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे हैं ना, तो ऐसा ही हमारा आज का पाठ है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ बताते हैं। संलग्न चित्र का नाम लिखकर बताओ कि इसका प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है। ये देखिए, ये एक फर्स्ट एड बॉक्स है, है ना। तो इसमें क्या है, छोटी सी कैंची भी है, इंजेक्शंस भी हैं, कुछ दवाइयाँ भी हैं और किट भी है, है ना। तो ये फर्स्ट एड किट, यानी कि अगर जैसे किसी को चोट या कुछ हल्की सी चोट लग जाती है तो अपने घर में फर्स्ट एड किट जरूर होनी चाहिए कि एकदम अगर कट गया है तो हम उस पर डिटॉल लगा के उस पर बैंडेड लगा दें या कुछ भी हो, तो वो फर्स्ट एड किट जरूर घर में होनी चाहिए। तो ये एक फर्स्ट एड किट बॉक्स है जिसमें ज़रूरत का सारा सामान आपका रखा रहता है, मरहम रखा रहता है, बैंडेज रखी रहती है, बहुत सारी चीज़ें, ट्यूब्स रखी रहती हैं। तो ये है, अब है पाठ प्रवेश। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों की साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखना हमारे पूर्ण स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवश्यक है। दांतों की सफाई विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि खाना खाने से दांतों के बीच पदार्थ जम जाता है और बैक्टीरिया पैदा करता है जो हमारे दांतों के लिए हानिकारक है, जिससे हमारे दांत गिरने लगते हैं और मसूड़ों की बीमारी तथा मुंह से बदबू आना आदि जैसी समस्याएं हो जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रिया अपने मित्रों के साथ खेल रही है, ठीक है। प्रिया जो थी वो अपने मित्रों के साथ खेल रही थी, उसे खेलते समय चोट लगी, मुंह से खून आ रहा था, दर्द भी हो रहा था। वह रोते रोते माँ के पास गई। माँ ने देखा, उसे दांतों की डॉक्टर शैला के पास ले गई। डॉक्टर शैला ने प्रिया को रोता देख पूछा, क्या हुआ इसे? माँ ने कहा, खेल में दौड़ रही थी, इसका मुंह ग्रिल से टकराया और चोट लग गई। डॉक्टर शैला प्रिया के मुंह की जांच करती हैं। ग्रिल पर धूल मिट्टी या जंग तो नहीं लगा था? डॉक्टर शैला ने पूछा कि जो ग्रिल से लगी है चोट, तो उसके ऊपर कोई डस्ट तो नहीं थी, कोई धूल मिट्टी तो नहीं थी? तो माँ ने कहा, नहीं, वह घर की बालकनी की ग्रिल है, वह साफ है। तो डॉक्टर शैला ने क्या बोला, बहुत, तब तो अच्छी बात है, इसे टिटनेस का बूस्टर डोज दे दिया गया है ना? तो माँ ने कहा, जी, अभी कुछ महीने पहले ही दिया गया था। तो डॉक्टर शैला ने बोला, चोट भी ग्रिल से नहीं दांत से लगी है, दांत होठों से टकराया है और अंदर की तरफ से मामूली सा कट लग गया है, हमें एंटी टिटनस नहीं देना पड़ेगा। उसके मुंह से एक दांत निकालकर ट्रे में रखती है, मतलब उसके जो लगा था चोट, तो उसमें से दांत भी निकल आया। तो दांत उस डॉक्टर शैला ने क्या किया, ट्रे में रख दिया। आपने अच्छा किया कि आप इसके होठ पर बर्फ लगा कर आई, चोट ज़्यादा नहीं है। उनकी मम्मा ने क्या किया था, उसकी माँ ने प्रिया की जब उसको चोट लगी तो बर्फ़ जो था वो बर्फ़ लगा दी थी। तो डॉक्टर ने बोला, अच्छा हुआ आपने बर्फ़ लगा दी। माँ ने कहा, दांत के टूटने से अब क्या परेशानी होगी? तो डॉक्टर शैला ने बोला, जबड़े की हड्डी में कोई क्रैक नहीं है, यह दूध का दांत था, नीचे नया दांत भी आ रहा है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। यानी कि प्रिया का जो दांत टूटा था वो कौन सा दांत था? वो दूध का दांत था। तो वो दूध के दांत तो वैसे भी टूटते हैं, उसके बाद दूसरे दांत आते हैं, इसलिए डॉक्टर ने बोला कि इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। माँ ने बोला, जी प्रिया आपके पास आने से डर रही थी। डॉक्टर शैला ने बोला, डॉक्टर तो आपकी मदद करते हैं, आपको डरना नहीं चाहिए। बच्चों, आपको भी डॉक्टर से डर नहीं लगना चाहिए। डॉक्टर तो अगर हमें कुछ परेशानी होती है तो वो तो हमारी मदद करते हैं, हमें ठीक कर देते हैं, इसलिए किसी बच्चे को डॉक्टर से नहीं डरना चाहिए। तो माँ ने कहा, डॉक्टर आप इसे बताइए कि दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। डॉक्टर शैला ने बोला, मुझे इसके दांत में कैविटी दिख रही है, इसकी फिलिंग करनी पड़ेगी, कैविटी ना हो इसके लिए सॉफ्ट ब्रश, यानी कि बिल्कुल मुलायम वाला ब्रश से सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले
सफाई करनी चाहिए, यानी कि दो टाइम सफाई करनी चाहिए दांतों की। माँ ने बोला, प्रिया सुबह तो कर लेती है पर सोने से पहले छूट जाता है। तो डॉक्टर शैला ने क्या बोला, नहीं बेटा ये अच्छी बात नहीं है, आपके दांतों में कीड़ा लगने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, रात में भोजन के कण फंस गए तो बैक्टीरिया के तो मज़े आ गए, उसकी तो पार्टी हो जाएगी, लेकिन आपका दांत मुसीबत में आ जाएगा। बच्चों आप भी समझो, हमेशा रात को भी ब्रश करें, आपको पूरे दिन पूरे दो मिनट तक ब्रश जरूर करना चाहिए, लेकिन ब्रश दबाकर नहीं करना चाहिए, हल्के हाथ से करना चाहिए, और दिन में भोजन के बाद कुल्ला तो अवश्य करना चाहिए। जब आप खाना खा लेते हैं बच्चों तो उसके बाद कुल्ला अवश्य करें। माँ ने कहा, इस उम्र के बच्चे भी कुल्ला कर सकते हैं? तो डॉक्टर शैला ने बोला, जी बिल्कुल, इसी उम्र से सीख जाएं तो अच्छा रहता है। प्रिया तो अंगूठा नहीं चूसती ना, प्रिया सिर से ना का इशारा करती है, बहुत अच्छी बात है। दांतों के बीच में जीभ फंसाना भी ठीक नहीं होता, कुछ बच्चे गाल भी चबाते हैं, वह भी बहुत गलत है। खाना मुंह में रखकर देर तक बैठना भी बैक्टीरिया को न्योता देना है। बच्चों आप भी समझ रहे हैं ना, खाना मुंह में रखना ही नहीं रखना चाहिए, उसे चबा चबा के अंदर करना चाहिए। प्रिया ने बोला, माँ मुझे चॉकलेट टॉफ़ी नहीं देती। डॉक्टर शैला ने बोला, टॉफ़ी चॉकलेट के चीनी से बने होते हैं, जो दांतों में चिपक कर नुकसान पहुँचाते हैं, उनसे बचना चाहिए, कभी कभार खाया तो दांत साफ करने चाहिए, फल सब्जियों का सेवन करना चाहिए, दूध पनीर दही आदि खाना दांतों के लिए लाभकारी है। बच्चों आप भी सुनिए ध्यान से, टॉफ़ी चॉकलेट बहुत कम खाइए, इससे कैल्शियम की कोटिंग हो जाती है, लॉलीपॉप तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, खूब पानी पीना चाहिए, फलों के जूस की अपेक्षा फल काट कर खाना ज़्यादा फायदेमंद है। माँ ने कहा, आपने बहुत अच्छी बातें बताई डॉक्टर शैला ने क्या कहा, एक ज़रूरी बात प्रिया आप भी ध्यान से सुनना और अपने मित्रों को भी बताना, खेलते समय बच्चों को चोट लग सकती है, कभी भी दांत टूटे तो उसे तुरंत उठाकर घर ले आओ और मम्मी को दे दो। माँ ने कहा, दूध का हो तो भी, आधा टूटा हुआ हो तो भी? तो डॉक्टर शैला ने क्या कहा, जी कोई भी, आधा भी, उसे फिल्टर के पानी में हल्के हाथों से धोना है, किसी साफ डिब्बे में दूध डालकर दांत उसमें रखें और डॉक्टर के पास तुरंत ले आए। माँ ने कहा चकित होकर, उसका क्या होगा? तो डॉक्टर शैला ने कहा, जांच करने के बाद हम उसे वापस भी लगा सकते हैं। माँ ने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि हम दांत को दोबारा भी लगा सकते हैं। डॉक्टर शैला ने बोला, लेकिन उसे साफ करते समय रगड़ना नहीं है, कैविटी तो बहुत छोटी ही थी, मैंने फिलिंग कर दी है, अब 3 महीने बाद एक बार फिर जांच करेंगे, कोई और नुकसान हुआ है तो वह भी पता चल जाएगा, बीच में किसी दांत का रंग बदल जाए तो भी डॉक्टर को दिखाना आवश्यक होता है। बच्चों प्रिया ने कहा, हाँ आंटी मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, अच्छे से समझ में भी आ गई और मैं ध्यान रखूँगी, मुस्कुराते हुए प्रिया ने डॉक्टर शैला से बोला। डॉक्टर शैला ने बोला, बहुत प्यारी बच्ची है, मोती जैसे दांतों वाली प्रिया के तो क्या कहने। प्रिया और माँ ने क्या बोला, थैंक यू डॉक्टर। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब जाने कठिन शब्द, दर्द बूस्टर, बैक्टीरिया, ग्रिल, क्रैक, कुल्ला, जंग, कैविटी, न्योता, बालकनी, फिलिंग, कैल्शियम, टेटनस और संभावना। और अब शब्दार्थ, जंग का अर्थ है लोहे पर भूरे लाल रंग की परत जमना, जबड़ा मुंह में ऊपर नीचे की हड्डियां जिसमें दांत रहते हैं, कैविटी दांतों में कीड़ा लगने से बना हुआ छेद, फिलिंग यानी भरना, सॉफ्ट यानी कोमल, कुल्ला मुंह में पानी भरकर फेंकने की क्रिया, और न्योता का मतलब है आमंत्रण, बुलावा। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं प्रश्न उत्तर, प्रश्नों के उत्तर देने। किसी को चोट लगने पर क्या करना चाहिए, किसी को चोट लगने पर तुरंत पहले फर्स्ट एड दें उसको और उसके बाद डॉक्टर के पास दिखाने जाना चाहिए। दांतों की सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए, दांतों की सुरक्षा के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम हमें सुबह कुल ब्रश करें और रात को खाना खाने के बाद भी ब्रश करना चाहिए, और खाना खाने के बाद भोजन करने के बाद हमेशा कुल्ला अवश्य करना चाहिए।
प्रिया को कहाँ चोट लगी थी? प्रिया को दांत में चोट लगी थी, उसका जो दांत था वो टूट गया था और उसके होंठ जो थे दांत से कट गए थे थोड़े से। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। माँ प्रिया को दांतों के डॉक्टर के पास क्यों लगी? दांत लगवाने, दांत निकलवाने, चोट के कारण या डॉक्टर के बुलावे पर? माँ प्रिया को दांतों के डॉक्टर के पास ले गई थी चोट के कारण। दांतों को नुकसान होता है फलों से, सब्जियों से, चॉकलेट टॉफी से या पानी से? दांतों को नुकसान होता है चॉकलेट टॉफी से। कौन सी चीज़ खाने से दांतों पर कैल्शियम की कोटिंग नहीं होती? चॉकलेट खाने से जो है दांतों पर कैल्शियम की कोटिंग नहीं होती। रिक्त स्थानों की पूर्ति, अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें सबसे पहले है प्रिया का मुंह किससे टकराया था? प्रिया का मुंह बालकनी की ग्रिल, जो वहाँ ग्रिल लगी हुई थी उससे टकराया था। जबड़े की हड्डी में कोई क्या नहीं है? जबड़े की हड्डी में कोई क्रैक नहीं है। प्रिया का दांत किसका दांत था? दूध का दांत। प्रिया सुबह ब्रश करती थी परंतु रात को नहीं। हमें पूरे कितने मिनट तक ब्रश करना चाहिए? हमें पूरे 2 मिनट तक ब्रश करना चाहिए और बहुत ही मुलायम ब्रश से करना चाहिए और रगड़ना नहीं चाहिए। अब है प्रश्नों के उत्तर। प्रिया को चोट कैसे लगी बच्चों? प्रिया को चोट जब अपने मित्रों के साथ खेल रही थी तब उसको चोट लग गई थी। प्रिया को एंटी टेटनस क्यों नहीं देना पड़ा? क्योंकि उसकी माँ ने कुछ समय पहले ही एंटी टेटनस का इंजेक्शन लगवा दिया था। दांतों की सफाई रोज कब कब करनी चाहिए? दांतों की सफाई सुबह ब्रश करना चाहिए, रात को सोते टाइम ब्रश करना चाहिए और भोजन के उपरांत, भोजन के बाद कुल्ला करना चाहिए। हमारे किसी दांत का रंग बदल जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे किसी दांत का रंग अगर बदल जाए तो हमें उसे तुरंत डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। दांतों की डॉक्टर का नाम क्या था? दांतों की डॉक्टर का नाम था डॉक्टर शैला। हमें अपने दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? हमें अपने दांतों की देखभाल करनी चाहिए, हमें दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए, खाना खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए, चॉकलेट टॉफी से बहुत हद तक बच के रहना चाहिए, बहुत कम खाना चाहिए और लॉलीपॉप तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। और इसके अतिरिक्त हमें हरी सब्जियाँ, फल खाने चाहिए और फल में अगर हम जूस की बजाय हमें फल काट के खाने चाहिए। इस तरह से हम अपने दांतों की देखभाल कर सकते हैं। चॉकलेट या टॉफ़ी हमारे दांतों को किस प्रकार नुकसान पहुंचा सकते हैं? चॉकलेट या टॉफ़ी जो है इसमें कीड़ा होता है, मीठा लग होता है जिससे दांतों की को जो है वो कैविटी लग जाती है, उसमें कीड़ा लग जाता है और वो दांत अंदर से कटने लग जाता है, खोखला होने लग जाता है। कीड़ों से बचाना चाहिए। तो हमें टॉफ़ी या चॉकलेट इस प्रकार से हमारे दांतों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, हमें ये नहीं खाने चाहिए और खाएं तो बहुत ही कम। तो बच्चों आज हमने ये वाला पाठ पढ़ा और हमें इसमें के बारे हमें दांतों के बारे में जानकारी भी बहुत अधिक मिली कि किस तरह से हम अपने दांतों की सुरक्षा कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपने भी इससे बहुत कुछ सीखा होगा। चलिए इसके साथ पाठ समाप्त होता है, बहुत जल्दी आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए आभार।